हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में आगे का पार्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आवेश उत्पत्ति का, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। देखिए, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ले जाया जा सकता है या कैसे उसको उत्पन्न किया जाता है। जैसे आपने घर्षण पढ़ा था कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस आदान प्रदान से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कि जो धनावेश होती है उस पर द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। 9.1 × 10⁻³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 
गुणा एक इलेक्ट्रॉन निकलने से होता है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 का गुणा हम उसमें कर देते हैं। तो इस तरीके से जो होता है, एक बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका द्रव्यमान भी कम हो जाता है, जिस बॉडी पर जाता है जो ऋण आवेशित होती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, क्या अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के पास उसका केंद्रीय भाग होता है, जिस केंद्रीय भाग को हम क्या बोलते हैं, इस केंद्रीय भाग को हम बोल देते हैं, केंद्रीय भाग को बोल देते हैं नाभिक। क्या बोल देते हैं इसको? नाभिक। ठीक है, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन के पास? तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये होते हैं ऋण आवेशित। कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। और नाभिक के पास क्या होता है? इसके पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटोन कैसा होता है? प्रोटोन आप जानते हैं, ये होता है धनावेशित। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है शून्य, या हम इसको बोल देते हैं अनावेशित। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा परमाणु, परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन, यानी कि अनावेशित होता है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव का भी आपको आंसर मिल गया, परमाणु कैसा होता है? अनावेशित होता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या था, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो देखो, ये जो नाभिक है, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इस आखिरी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी में क्या होती है? कम होती है। तो ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य और प्रोटॉन पर अधिकतम आवेश होने के कारण ये पूरा धनावेशित होता है। तो इस धन और ऋण दोनों के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है, क्योंकि दूरी क्या होती है? कम होती है। आकर्षण बल प्रबल होता है क्योंकि दूरी कम होती है। ये एफ समानुपाती एक बटा आर स्क्वायर को फॉलो करते हैं, यानी कि दूरी बढ़ने पर बल कम हो जाता है, दूरी बढ़ने पर बल कम, दूरी बढ़ी बल कम, दूरी घटी बल ज्यादा। तो यहां पर बल ज्यादा, यहां पर बल कम। तो इन इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, नाभिक के बीच में यहां पर जो बल होता है उस बल को हम नाम दे देते हैं प्रबल आकर्षण बल। क्या नाम दे देते हैं हम उसको? प्रबल आकर्षण बल। ठीक है, इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं दुर्बल आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? दुर्बल आकर्षण बल। देखो, इनके बीच दुर्बल आकर्षण बल, इनके बीच प्रबल आकर्षण बल, क्योंकि ये पास वाली कक्षा में, दूर वाली कक्षा में। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या देंगे? इस इलेक्ट्रॉन का नाम हम दे देंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको मुक्त कराना आसान नहीं है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को आसानी से इस परमाणु की कक्षा से या नाभिक से हम क्या कर सकते हैं? मुक्त करा सकते हैं। तो इसे थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर हम बाहर से दे दें तो ये क्या करने लगता है? सतह पर
गति करने लगता है, इसको हम मुक्त करा सकते हैं। तो यही इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। कौन से वाले जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। दुर्बल आकर्षण बल वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम आसानी से मुक्त करा सकते हैं। इसलिए हम इन्हें आसानी से जो है इससे घर्षण द्वारा या बाहर से कोई भी ऊर्जा देंगे तो ये इस सतह पर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। किसकी सतह पर? परमाणु की सतह पर। और इनको हम इससे मुक्त कर सकते हैं। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, इसको इसी तरीके से आपको समझाना है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।